किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियाँ। बेटियाँ हर घर का सम्मान गर्व होती हैं। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज़ जो कराह रही तुम्हारे ही अंदर बार बार। मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जग में लेने दो आकार। अरे सुखदेव, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी? क्या क्या कहा डॉक्टर साहब, लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब मैं क्या करूं? लाओ डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। इधर आसपास कोई है तो नहीं? चलो इस लड़की को जाए फेंक। बताना चाहती हूँ, यूं को नहीं ना मिटा दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ। ना जाने क्यों मेरे अपने ही मेरा वजूद मिटाना चाहते हैं। बेटी को एक गोद समझते हैं और एक बेटा पाना चाहते हैं। यूं को नहीं ना मिटा दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ। दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया में आना चाहती हूँ। बेटियाँ बेटियाँ, लड़की भी नाम रोशन करती है। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। कोख को कबर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए, स्कूल पुलिया सड़क आपने कहते हैं बम से उड़ा दिया। कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया। लौटाओ